हेलो गाइस, तो कोडा शॉप में आ चुका है क्रिकेट लीग बॉक्स ऑफर। तो गाइस, अगर आप कोडा शॉप से डायमंड परचेस करते हो तो गाइस आपको क्रिकेट लीग बॉक्स जो है हर बार फ्री में मिलेंगे गाइस। तो गाइस, जो भी बंदे डायमंड परचेस करना चाहते हो तो कोडा शॉप से कर सकते हो। एंड मैं आपको यहाँ पे 100 डायमंड जो है परचेस करके दिखाता हूँ कोडा शॉप से। एंड मैं यहाँ पे पेटीएम के थ्रू जो है परचेस करूंगा। और मैं यहाँ पे मेरी जीमेल एड्रेस एंड UID डाल के जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो आ जाता है कि पेमेंट कैसे करना चाहता हूँ। मैं पेटीएम के थ्रू पेमेंट करो, देखो यहाँ पे मैंने जैसे पेमेंट किया यहाँ पे थैंक यू आ गया, क्या थैंक यू परचेस करने के लिए कोडा शॉप को यूज़ करने के लिए। एंड गाइस, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कोडा शॉप में तो मैंने डायमंड परचेस कर दी है, मेरी अकाउंट पे देखो घुस चुका है। मेरी अकाउंट पे 7 डायमंड था, अभी 107 हो गए। तो गाइस फिलहाल तो मेरे को डायमंड तो मिल चुके हैं मेरे को, लेकिन अभी गाइस जो है फ्री का बोनस कैसे मिलेगा, तो फ्री में जो है क्रिकेट लूट बॉक्स कैसे मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको क्रिकेट लीग बॉक्स जो है लेने के लिए कोडा शॉप की दूसरी एक पेज है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके आपको जाके UID डालनी है एंड जिस जीमेल से आपने परचेस की थी उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद जैसे आप गेट कोड पे क्लिक करोगे तो उसी जीमेल के अंदर आपको एक कोड जाएगा जो इसमें होगा रिडीम कोड। तो गाइस आपको जीमेल खोल कर दिखा देता हूँ, देखो मेरे को कोड आ गया। इसको कॉपी करके आपको फ्री फायर रिवॉर्ड वाली पेज पे जानी है, तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे आप फ्री फायर रिवॉर्ड पे आ जाओगे तो यहाँ पे जैसे आप आपकी कोड को पेस्ट करोगे तो गाइस आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है कंफर्म करोगे जैसे ही, तो आपके अकाउंट में डायरेक्टली जो है एक गिफ्ट चला जाएगा। ठीक है, एक पूरा फ्री गिफ्ट है गाइस। और आपको गाइस हर बार जो आप कोडा शॉप यूज करोगे तो हर बार आपको जो है एक गिफ्ट मिलेगा ऐसे ही। तो गाइस यहाँ पे मैं खोल कर दिखा देता हूँ, मेरे को गिफ्ट आ चुका है। तो गाइस जो भी बंदे यार कोडा शॉप से डायमंड परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके कोडा शॉप से परचेस करो और एक्स्ट्रा जो है एक बंडल जीतने की मौका पाओ। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे, वो होगा गाइस कैरेक्टर्स। तो गाइस बहुत लोगों को कैरेक्टर के बारे में जाननी है कि कौन सी कैरेक्टर जो है रैंक पुश करने में और गेम प्ले अच्छी करने में सबसे अच्छा जो कैरेक्टर है उनके बारे में बताओ, कौन सी 3 कैरेक्टर जो मैं यूज़ करूँगा तो मेरी गेम में जो और भी जो है बेटर परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो गाइस जिनको भी कैरेक्टर के बारे में जानना है पूरा वीडियो को देखो, कौन कौन सी कैरेक्टर आपके लिए बेस्ट होगा और गाइस आप कौन सी चीज़ में आगे ज़्यादा फोकस करते हो, कौन सी गेम प्ले स्क्वाड में सोलो में रैंक पुश करना चाहते हो, तो उनके अलग अलग सा कैरेक्टर होता है। एंड लाइक अगर आपके पास कैरेक्टर की नॉलेज है तो भाई आप मेरे को भी शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे कि मैं कौन कौन सी जगह पे गलत बोल रहा हूँ और कौन कौन सी कैरेक्टर बेस्ट होता है। ठीक है, तो गाइस पहली बात गाइस कैरेक्टर का भी चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसी 3 कैरेक्टर को यूज़ करो। जस्ट आप पहली बार जब कैरेक्टर सिलेक्ट करोगे तो अच्छे से 3 कैरेक्टर सिलेक्ट कर लो, क्योंकि यार कैरेक्टर अगर आप चेंज करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या पॉसिबल नहीं है कि एक साल के अंदर कि आप सारे कैरेक्टर को मैक्स बना दो। ठीक है, क्योंकि यार अगर आप भी आपके पास 6 लेवल का मैक्सिम है एंड आप उसे चेंज करके कोई न्यू कैरेक्टर आ रहा है तो उसको ले लिया, तो गाइस उसका लेवल अगर 2 लेवल है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 2 लेवल या 3 लेवल के कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी एबिलिटी पूरा बेकार होती है, वो मतलब खूब बहुत ही माइनर होता है एंड वो कोई फ़ायदा नहीं होता उससे। तो गाइस अगर आप कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 5 और 6 लेवल का होना चाहिए। और अगर आपको 5 या 6 लेवल कैरेक्टर बनानी है इसके लिए आपको भाई कोई 3 कैरेक्टर सिलेक्ट करनी है और उसको परमानेंटली यूज़ करनी है, तो गाइस अपने आप हो जाता है। लाइक मेरी कैरेक्टर्स देखो, मैं जब से गेम खेल रहा हूँ 3 ही कैरेक्टर सिलेक्ट करके रखा है, मेरे पास इतने डायमंड्स है फिर भी मैं कभी भी कैरेक्टर परचेस नहीं करता, क्योंकि यार कैरेक्टर जो होते हैं ना गाइस कैरेक्टर को चेंज नहीं करना चाहिए, इससे यार आपकी जो है गेम प्ले में भी नुकसान पड़ेगी एंड आप एक मतलब गेम में इफेक्ट पड़ेगी, आपकी गेम में इफेक्ट पड़ेगी। तो गाइस कौन कौन सी कैरेक्टर अगर आप चाहते हो आप मेरी मैं कौन सी यूज़ करता हूँ और आप लोगों को कौन सी लेना चाहिए मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। पहली कैरेक्टर जो है मेरी फेवरेट पर्सनल फेवरेट है फोर्ड गाइस। ठीक है गाइस, तो मेरे को पर्सनल फेवरेट फोर्ड मेरे को इतनी अच्छी क्यों लगती है गाइस, क्योंकि यार मैं जो है सोलो वर्सेस खेलता हूँ, डुओ वर्सेस खेलता हूँ और स्क्वाड भी खेलता हूँ। ज़्यादातर यूट्यूबर यूट्यूब में भाई स्क्वाड खेलते हैं क्योंकि थोड़ा आसानी होते हैं। एंड गाइस मैं सोलो वर्सेस खेलता हूँ, स्क्वाड वर्सेस खेलता हूँ एंड डुओ वर्सेस भी खेलता हूँ जो और भी मुश्किल से होते हैं। तो उनमें क्या होता है गाइस कि अपने बंदे जो है वो भाई सामने रास्ता मतलब सामने को जगह नहीं होता, आपको जोन के अंदर से जाना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको जोन के अंदर आखिरी में जोन ऐसा हो जाता है कि अगर जोन थोड़ा सा भी टच हो जाए तो गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा कि गाइस घूम के तो जा नहीं सकते, सामने से जाओगे तो गोली लगेगी, साइड से जाओगे तो बंदे बैठे, तो भाई आपको जोन होके निकलना पड़ेगा। या गाइस अगर आखिरी में सर्कल छोटा है तो भाई आपको जोन टच करती है, क्योंकि वो बंदे के सामने वाले बंदे के पास होती है कवर एंड आप होते हो बाहर थोड़ा जोन के, तो सर्कल छोटा होता रहता है तो आप जोन के बाहर हो जाते हो और वो बंदा जोन के बीच में हो जाता है। तो गाइस उसी टाइम पे आपको जब से ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है फोर्ड, क्योंकि भाई जोन के अंदर आपकी कम डैमेज देगा फोर्ड। अगर आपकी फोर्ड 6 लेवल का या 5 लेवल का है तो गाइस अगर आप जोन के बाहर भी रहते हो कुछ टाइम में या कुछ टाइम क्या बहुत मतलब अच्छी खासी वो जो है आपको डैमेज कम देगा। लाइक अगर आप फोर्ड के बिना जोन के बाहर टच भी होता है आखिरी जोन तो गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एंड गाइस अगर आपके पास फोर्ड है तो गाइस आप जोन के बाहर भी लूट कर सकते हो, लाइक फर्स्ट जोन में आप जोन के बाहर लूट है और सर आप करें नहीं तो भाई
बिंदास फोर्ड अगर है बिंदास लूट करो, एंड आखिरी में भी बहुत ही सही काम करता है। तो भाई मेरे को इसकी एबिलिटी जो है ना बहुत सही लगती है फोर्ट की, ये बहुत ही काम आता है आपका अगर रैंक रश करते हो, रैंक पुश करते हो, कुछ भी करते हो गाइस इसकी एबिलिटी, इसीलिए मैं जो है फोर्ट यूज़ करता हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे बंदे बोलते हैं मेरे को पलोमा क्यों नहीं यूज़ करता, तो उसके बाद गाइस नया कैरेक्टर है ये लौरा लौरू कुछ भी है तो उसको क्यों नहीं यूज़ करता, तो भाई मैं निकिता यूज़ करता हूँ गाइस, तो मेरी सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है निकिता, तो गाइस मैं निकिता क्यों नहीं यूज़ करता, तो निकिता क्यों यूज़ करता हूँ और भाई वो पलोमा क्यों नहीं यूज़ करता, पलोमा में जस्ट उसकी एबिलिटी है ज़्यादा यार ले सकते हो, और मेरे को गाइस ये कोई एबिलिटी नहीं लगती, ये ज़्यादा बैग में जितने यार घुसाओगे हो जाएगा, बैग अगर छोटा है ढूंढो को मिल जाएगा, दोस्तों से ले लोगे ठीक है, जैसे तैसे मेकअप हो जाएगी, लेकिन अगर आप मर जाओ तो भाई उसको जो रिकवर नहीं कर पाओगे ठीक है। तो भाई अभी क्या चल रहा है फ्री फायर के अंदर, MP40 बहुत ज़्यादा चलती है, सारे बंदे MP40। तो गाइस यहाँ पे निकिता जो है ना, अगर MP40 या शॉटगन आप यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा, MP40 तो सबसे ज़्यादा यूज़ अगर आप करते हो तो भाई निकिता आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि गाइस क्या होता है सामने मतलब सामने बंदा आ जाता है आपके सामने, वो आप उसके सामने, और शुरू हो जाती है MP40 की लड़ाई ठीक है, MP40 की लड़ाई शुरू हो जाती है, और उसी वक्त गाइस आपकी दोनों की जो है MP40 रिलोड में फंसती है, आपकी फंसती है उसकी फंसती है, दोनों की रिलोड में फंसती है, एंड गाइस दोनों की अंदर दोनों सोच रहे कि दोनों के रिलोड में फंसी है, जिसकी भाई जल्दी रिलोड कंप्लीट होगा गाइस वो दूसरे जो बंदे है उसको गोली मार देगा, दूसरा बंदा खत्म। तो गाइस इस जगह पे आ जाती है निकिता जिसकी रिलोड स्पीड ज़्यादा है, अगर आपके पास निकिता 5 या 6 लेवल की है तो गाइस अगर सामने कोई बंदा आपके साथ लड़ाई कर रहा है MP40 से और आपकी रिलोड में फंसी है और उसकी भी फंसी है, तो भाई जस्ट आप भाई निकिता 6 लेवल और 5 लेवल का है तो गाइस आपका 1 सेकंड में रिलोड हो जाएगा और अपने सामने बंदे को गोली मार दोगे, खत्म बंदा सामने वाला। तो भाई इसीलिए मेरे को जो है निकिता बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, और मैं गाइस बहुत ही ज़्यादा MP40 यूज़ करता हूँ तो भाई निकिता तो लेना ही होगा। तीसरा जो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है गाइस वो है मैक्सिम गाइस। तो मैक्सिम मेरे को क्यों फेवरेट है भाई, मैक्सिम का जो 2 एबिलिटी है ठीक है, एक तो गाइस मशरूम जल्दी खाता है वो मेरे को पसंद नहीं है, मतलब ठीक है एक्स्ट्रा मिल रही है ले लो, और फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट जो है एबिलिटी है वो गाइस है आप जल्दी मेडिकेट मार पाओगे। तो भाई फ्री फायर के अंदर जल्दी मेडिकेट मारना ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस क्या होता है कि यार मतलब सामने बंदा आ जाता, तो गाइस सामने बंदा आ जाता है तो गाइस क्या होता है कि आप जोन में थोड़ा डैमेज हो जाते हो, आसपास से कोई गोली मार देती है एंड आप हो जाते हो थोड़ा डैमेज, एंड गाइस सामने से एक बंदा आता है जो आपको MP40 से मारने के लिए आ रहा है या रश कर रहा है आपको मारने के लिए, और उस बंदे को पता है आप डैमेज हो, तो गाइस उसी वक्त जो होती है आपको मेडिकिट जल्दी से जल्दी लगाना होता है, एंड गाइस जो आपकी अगर आप मैक्सिम यूज़ नहीं करते तो भाई मेडिकिट मारते मारते बंदा आ जाता है और आपको गोली मार के चला जाता है, तो अगर आपके पास 5 या 6 लेवल का मैक्सिम है लाइक मेरे जैसा, तो बंदा जब तक आपको मारने के लिए आ रहा है सोच लो कि सामने बंदा है और दौड़ के आपको मारने के लिए आ रहा है और आप डैमेज हो और वो बंदा डैमेज नहीं है, तो भाई आप फटाक से अगर आपकी लेवल जो है मैक्सिम का 5 या 6 है फटाक से मेडिकिट यूज़ करो और हो जाएगा मेडिकिट, फटाक से आप उसको जो है फायर करके मार सकते हो। और गाइस बहुत सारे बंदे बोलेंगे केली सही है, तो भाई केली मेरे को पर्सनली पसंद है, लेकिन अगर आप रैंक करती हो तो भाई वो कोई काम नहीं है, अगर आप मुक्का हाइट करते हो।